मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, तो कैसे हैं आप सब मित्रों? मैं फिर से वापस आ गया। तो अच्छे दिन आ गए मित्रों, कैसा लग रहा है दिवाली वाला फील अप्रैल में लेके? यार मित्रों, मुझे पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि 22 मार्च को थाली बजवा बजवा के कोरोना को पहले बहरा कर दिया, फिर अभी 5 अप्रैल को लाइट सारी ऑफ करवा के कोरोना को अंधा कर दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है मित्रों कि 14 अप्रैल को कोरोना वायरस की 13वीं का फंक्शन भी तैयारी रखा होगा। चलो ठीक है, लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, कैंडल्स जलाए, फ्लैशलाइट जलाए, टॉर्च जलाए, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसको दिवाली समझ के पटाखे भी जला दिए। मित्रों मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसे मंद बुद्धि लोग भी होंगे जिन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। नाटक रे, भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? आग जैसी लगाई मजा गया। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी जो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप दिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए है जो मोदी जी द्वारा भेजी गई है, और मोदी जी का ये कहना है कि सारे लड़के इसका पालन करें और इस पे गौर करें। देखिए। मैं आशिकों के दिन का दर्द समझ सकता हूँ, मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, मगर जितने भी बॉयफ्रेंड मुझे सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि वो बुलाती है मगर, कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये कोरोना है, इसकी रोकथाम में पुलिस के आड़े आने का नहीं। साफ मना कर दो, वो कसम भी दे सकती है कि बाबू सोना मेरे से मिलने आओ ना इस माहौल में, अगर वो कहती है कि आप अपने घर से उनके घर पे आओ शक्ल दिखाने, तो मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में आप ब्रेकअप कर लीजिए, पहली फुर्सत। चलो दोस्तों, ये तो हो गई मजाक की बात, मगर सीरियसली कहूँ तो काफी लोगों ने इस चीज को बहुत ही पीसफुली और बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। कई लोगों ने अपने घर के अंदर दिए जलाए, कई लोगों ने अपने घर के बाहर दिए जलाए, कई लोगों ने रोड पे अपने मोहल्लों में दिए जला दिए, जिससे ये चीज़ तो पता हो गई कि हमारे देश में सिर्फ खुशियों के मौकों पर ही साथ में नहीं देखा जाता है, दुख के टाइम पे भी हमारा देश एक साथ खड़ा है और इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो एंड में यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ड्रॉप कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा देना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और कमेंट करो कि आपको कौन सी वीडियोज़ और देखनी है। एंड तब तक के लिए सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पीस।